करना, उसकी स्तुति और उनसे विनती करता है। ये वचन आप जरूर पढ़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में 5 ऐसे पाप करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। हम आपको ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। हमारा पहला पॉइंट होगा, जिस बंदे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए और सीखने के लिए वचन को परमेश्वर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फर्स्ट हमारा जो पहला पॉइंट होगा, परमेश्वर की खोज करना। अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों देगा, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि परमेश्वर की खोज करना है। इसे हम पढ़ते भी हैं मती रचित अभ्यास 6:33 में यहाँ पे लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें उसके पीछे पड़ के मिल जाएंगी। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर ने कहा है, मेरे राज्य की धर्म की खोज करो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। जब आप प्रार्थना में मांगते हो तो वह आपको सब वस्तुएं देगा। आप सबको पता है कि परमेश्वर ने एक वचन और दिया है, वो कहता है कि मैं लिखे हुए को कभी टालूंगा नहीं। जो मैंने लिखा उसमें से एक भी बिंदु बिना कार्य किए वापिस ना लौटेगा। हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, आपके जीवन का सही उद्देश्य होना। इसे भी हम पढ़ते हैं मती रचित अभ्यास 6:1-4 में ऐसा लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है आपके जीवन का सही उद्देश्य होना चाहिए, आपको उसके लिए कार्य करना है, बहुत सा फल लेके आना है उसके लिए, लेकिन परमेश्वर की ओर आपका एक सही उद्देश्य होना चाहिए। चाहे आप 10 मिनट 5 मिनट प्रार्थना करें, मगर परमेश्वर से प्रार्थना करें। अब 2 में क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना फल पा चुके। हमें परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। हम इसका तीसरा पढ़ते हैं, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। परमेश्वर ने कहा है कि तू इतनी खामोशी से प्रार्थना करो, विनती करो और मेरे वचन पर ध्यान करो और विश्वास करो, और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं देता, वो आपको उत्तर नहीं देगा। इसकी 4 पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब मेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब बोले आमीन। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि जो आपका दान है वह गुप्त रहे और जो पिता आपका गुप्त में देखता है आपको, वो आपको बहुत सा फल देगा। जो आप प्रार्थना कर रहे हो उसका आपको उत्तर देगा, हमें आशीष देगा। कब देगा? जब हम गुप्त में दान देते हैं। किसी के सामने अपनी बड़ाई करवाने के लिए अगर हम दान देते हैं तो वो फल के लायक नहीं होता। परमेश्वर ने कहा गुप्त में दे तो मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। जो मैं तुझे गुप्त में देख रहा हूं कि तू क्या दे रहा है, वो आपको उसका प्रतिफल देगा। आइए लेते हैं हमारा जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, वो ऐसा है, दूसरों को माफ करना। अगर आप ये अपनी लाइफ में नहीं करते हैं
आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। जब आप दूसरे के पापों को माफ कर देते हैं तो परमेश्वर आपके पापों को भी नहीं रख छोड़ेगा, वो आपके पापों को भी माफ करेगा और आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देगा। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी 14 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। जैसे हम 15 में इसकी पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। जैसे हम देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा होगा चिंता ना करना। प्रभु ने कहा है कि चिंता ना करना, अपनी लाइफ में कितनी भी तकलीफ आए, मुसीबत आए, इंसान के जीवन में दुख और तकलीफ आता है, मगर तुम चिंता ना करना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को इसीलिए भेजा है कि अपनी चिंता, आपकी चिंताओं को वो अपने ऊपर ले ले, क्योंकि ऐसा लिखा है कि तू अपना भार मुझ पे डाल दे, कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परमेश्वर ने हमें यहाँ पे यह कहा है कि ये चिंता करके कभी ना कहना कि हम क्या क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि आपका पिता, आपका प्रभु अभी है जिसकी तुम सब आराधना करते हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है मैं तुम्हें उसे दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, परमेश्वर से खुशहाल मन से प्रार्थना करनी होगी, दुखी मन से नहीं बल्कि खुशी मन से। खुश मन से अगर प्रार्थना की जाएगी तो वो आपकी सुन लेगा, भले आप दुख में क्यों ना हो। जैसे हमारा लास्ट पॉइंट होगा 5 नंबर, हमारा 5वां पॉइंट है दोष मत लगाओ। किसी की लाइफ में, किसी की जिंदगी में कभी भी दोष मत लगाओ। आपकी जिंदगी में कितना भी आपका बुरा क्यों ना सोचा हो उसने, मगर आप दोष मत लगाओ, आरोप मत लगाना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। इसके लिए भी हम एक वचन को पढ़ेंगे जो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 1 में ऐसा लिखा है, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाता है, हम अगर कचहरी में देखेंगे तो वहाँ बहुत से झूठ बोले जाते हैं। वहाँ बोला जाता है कि मैं अगर एक कटघरे में एक चोर को खड़ा कर दिया जाए तो वो बहुत सी बातें कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की, और दूसरे लोग उसको बोलेंगे कि इसी ने चोरी की है, चाहे उसने चोरी की ना भी हो तब भी उसके ऊपर दोष लगाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुम किसी पे दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि परमेश्वर फिर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं देगा। जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार अभ्यास 7 उसकी 2 में पढ़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर ने भी ये कहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप दोष लगाते हो उसी प्रकार आप पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस तरह आप उसको देखते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसी तरह तुम्हारे बारे में भी सोचा जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस व्यक्ति के लिए आप एक अच्छा काम करोगे तो वो परमेश्वर भी आपके लिए अच्छा काम ही करेंगे, जिस व्यक्ति के लिए आप बुरा काम करोगे तो परमेश्वर आपके लिए भी बुरा काम ही करेंगे और आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। इस वचनों के माध्यम से आपको आशीष मिली होगी, इस वचनों को अपने भाई और बंधुओं के साथ शेयर करना,
ताकि उनको भी परमेश्वर के राज्य की खोज करने का अवसर मिल सके, क्योंकि सुसमाचार केवल आपके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। जितना आप फैलाते हो उतना ही परमेश्वर आपको आशीष देता है। ये सुसमाचार है और इसे फैलाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं आप सबको आशीष देता हूँ प्रभु यीशु के नाम में।